दूध से बनी मिठाई खाना सभी को बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो बर्फी हो या रसगुल्ला हो या फिर छेना हो। तो आज हम बहुत आसान तरीके से छेना बनाकर आपको दिखाते हैं, इसे आप भी अपने घर बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं छेना बनाना। छेना बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पतीले में 1.5 लीटर दूध लिया है और 2 नींबू 2 भागों में काट कर लिया है। इससे हम दूध को फाड़ेंगे। आप चाहें तो विनेगर से भी दूध फाड़ सकते हैं। छेना बनाने के लिए हम सबसे पहले दूध को उबालेंगे। दूध को हमने गैस पर रख दिया है, अब गैस को ऑन करते हैं और दूध को हम गर्म होने देते हैं। दूध हमारे गर्म हो गए हैं, अब इसे हम धीरे धीरे चलाते हुए उबालेंगे। दूध को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, केवल एक उबाल आने तक पकाएंगे। छेना बनाने के लिए हमने डेयरी वाला दूध लिया है, लेकिन आप पैकेट वाला दूध भी ले सकते हैं। छेना बनाने के लिए आप फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें। दूध में एक उबाल आ चुका है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। हम दूध को तुरंत नहीं फाड़ेंगे, इसको हल्का ठंडा करके फाड़ेंगे जिससे दूध का तापमान हल्का कम हो जाए। तब तक के लिए हम नींबू को निचोड़ लेते हैं। नींबू को इसी छन्नी में निचोड़ लेते हैं जिससे इसका बीज ही छन्नी में रह जाए। नींबू को निचोड़ कर हमने इसका रस निकाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा पानी और डाल देते हैं। दूध हमारे हल्के ठंडे हो गए हैं, इसका तापमान थोड़ा कम हो गया है। अब हम दूध को फाड़ेंगे। दूध में हम थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालते जाएंगे और दूध को धीरे धीरे चलाते रहेंगे। हमें इसे बहुत तेजी से नहीं चलाना है। दूध हमारे धीरे धीरे फटने शुरू हो गए हैं। हम इसे धीरे धीरे चलाएंगे तभी ये पूरी तरह से फट पाएंगे। अब आप देख सकते हैं दूध हमारे पूरी तरह से फट चुके हैं। दूध पानी से पूरी तरह से अलग हो चुका है। अब पानी को छानकर छेना को अलग कर लेते हैं। यहाँ हमने एक पतीले के ऊपर छन्ना रखा है और यहाँ पर हमने एक कपड़ा लिया है, इसको छन्नी के ऊपर लगा देते हैं। अब इसी में हम छेना को छान लेते हैं। अब कपड़े को छेना सहित उठा लेते हैं। और इसको साफ पानी से साफ कर लेते हैं जिससे इसका खट्टापन निकल जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर छेना को हाथ से मसल कर साफ कर लेते हैं जिससे इसमें से नींबू का खट्टापन निकल जाए। छेना को हमने साफ पानी से साफ कर लिया है। अब कपड़े को उठाकर छेना को निचोड़ते हुए इसका पानी निकाल लेते हैं जिससे इसमें पानी न रहे। यहाँ पर जो छेना का पानी है आप इसे किसी डिब्बे में रखकर 1 हफ्ते तक दूध फाड़ने के इस्तेमाल कर सकते हैं। हलवाई लोग इसी पानी से दूध फाड़ते हैं। हमने यहाँ पर एक बड़ा थाली लिया है, अब इसी थाली में छेना को निकाल लेते हैं। अब इसको हाथ से मसलते हुए अच्छे से चिकना करेंगे। छेने को हम जितनी अच्छी तरीके से मसल कर चिकना करेंगे छेना हमारा उतना ही अच्छा और खिला खिला बनेगा। छेने को हम इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक मसलेंगे। अब आप देख सकते हैं छेने को हमने अच्छी तरीके से मसल लिया है, ये पूरी तरह से चिकना हो चुका है, इसमें दरदरापन नहीं है। अब छेने में हम 1 चम्मच आरा रोट डाल देते हैं। आरा रोट छेने में डालने से छेना पकाते समय फटेगा नहीं और छेना में दरारे नहीं पड़ेंगे।
अरारोट हमने छेना मिला लिया है। अब इसका हम लोई बना लेते हैं। लोई हम थोड़े छोटे साइज में बनाएंगे क्योंकि ये पकाते समय डबल हो जाएंगे। हम एक साइज किसी तरीके से लोई बनाएंगे। एक साइज के हमने सारे लोई बना लिए हैं। अब एक लोई हम हाथ में लेकर मसल कर इसका छेना बना लेते हैं। पहले लोई को हाथ से मसलते हुए गोल करेंगे और इसको हम फिर लंबे आकार में कर देते हैं। इस तरीके से हम लंबे आकार में सारे छेना बनाएंगे। एक एक करके हमने लंबे आकार में सारे छेना बना लिए हैं। अब इसको हम चाशनी में पकाएंगे। छेना को हम पतीले में पकाएंगे। पतीले में हम 2 कप चीनी डाल देते हैं। और 2 कप चीनी के लिए हम 3 कप पानी डालेंगे। अब चीनी को बराबर चलाते हुए चाशनी को उबाल लेते हैं। अगर चीनी को हम बिना चलाए पकाएंगे तो चीनी हमारे पतीले में जलने लगेंगे, इसलिए हम इसे चलाते रहेंगे। ये चीनी हमारी पूरी तरह से गल चुकी है। अब चाशनी को हम ढककर उबालेंगे, तब इसके बाद हम छेना को डालेंगे। अब आप देख सकते हैं चाशनी हमारी उबल रही है। अब चाशनी में हम सारे छेना को डाल देते हैं। और इसे ढककर 10 से 12 मिनट तक तेज आंच पर पकाएंगे। बीच बीच में हम इसमें थोड़े थोड़े पानी डालते रहेंगे जिससे चाशनी हमारी गाढ़े न हो। लगभग 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर छेना को चेक कर लेते हैं। छेने के साइज हमारे थोड़े बड़े हो गए हैं। अब इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच पानी डाल देते हैं और इसको हम ढककर लगभग 5 से 6 मिनट तक और पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम तेज ही रखेंगे। पूरे 10 मिनट बाद हम रसगुल्ले को एक बार फिर चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं रसगुल्ले हमारे फूल कर डबल हो गए हैं। ये पूरी तरह से पक चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और छेना को रख देते हैं ठंडा होने के लिए। छेना हमारे ठंडे हो गए हैं। अब इसको एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। डेढ़ लीटर दूध में हमारे पूरे 15 छेना बने हैं। हमारे छेने स्पंजी और खिले खिले बने हैं। अब छेना को उठाकर हम आपको दिखाते हैं कि ये कितने स्पंजी और रस से भरे हैं। आप देख सकते हैं हमारे छेना हलवाई जैसा स्पंजी और खिला खिले बना है। ये हमारे छेना एकदम रस से भरे हुए हैं। तो आप इस तरीके से अपने घर में बहुत आसानी से छेना बना सकते हैं।